पिछले सवा चार वर्षों में विकासखंड ऊना की ग्राम पंचायत बसाल में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकासात्मक कार्य किए गए हैं। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कृषि मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र ने संपर्क से समर्थन यात्रा के दौरान कही। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने 64.37 लाख रुपए से बसाल में निर्मित पशु औषधालय का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि यह वेटनरी अस्पताल हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाया गया है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 6 माह के भीतर पूर्ण किया गया है। इसके अलावा 84.12 लाख रुपए से बसाल में बनने वाले खेल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी तथा 34 लाख रुपए से नेशनल हाईवे से बसाल खट तक बनाने वाले लिंक रोड नाला का भूमि पूजन किया। इस लिंक रोड नाले का निर्माण BDO कार्यालय ऊना द्वारा करवाया जाएगा। इस अवसर पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सबसे पहले जो हमने भूमि पूजन किया, 35 लाख से एक बड़ा नाला जो है जो सड़क से लेकर के खट तक जो है वो बनेगा, जिसके ऊपर विभिन्न योजनाओं को कन्वर्जेंस में हम 35 लाख रुपए जो है उस पर खर्च करेंगे। और आज हम जिस भवन का पशु चिकित्सालय का जो विधिवत लोकार्पण किया गया, इसके ऊपर जो है वो 65 लाख रुपए जो है वो खर्च हुआ है। और इसमें भी विशेष रूप से जहाँ छोटा ऑपरेशन थिएटर्स और अन्य सुविधाएं, लैब की सुविधा जो है उसी से हॉस्पिटल्स में रहेगी, इसके बनने से क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। आज हमारे अपने क्षेत्र के अंदर अधिकांश नए हॉस्पिटल जो हैं वो उनको अच्छा अपना भवन जो है वो दिया गया है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज 65 लाख रुपए की लागत से हमारा ये जो पशु चिकित्सालय है, इसके भवन का कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है और इसको हमने लोकार्पण किया है। और जो तो सबसे बड़ा काम यह निकासी की दिक्कत रहती है, और उसमें हमने कन्वर्जेंस के अंदर 35 लाख रुपए जो है वो खर्च होगा और एक बड़ा नाला जो है वो खड तक, सड़क से लेके खड तक जो है वो बनेगा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई जो है वो देता हूँ। 3-4 वर्षों के अंतर्गत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के काम जो है वो इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और करीब जो एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 70 लाख रुपए के काम जो है वो चले हुए हैं। और जब हम इसको भी 35 लाख रुपए को भी बीच में जोड़ देंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा के काम जो है वो पंचायत के अंदर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, जो निर्माणाधीन है, जहाँ चले लाख रुपए जो है वो खर्च हुए। और इसमें अभी ऑपरेशन थिएटर और एक लैब जो इसमें खून के टेस्ट होते हैं उसकी भी व्यवस्था जो है वो इसमें इस हॉस्पिटल में है। और जो दूसरा एक बड़ा भूमि पूजन किया गया वो हमने मेन रोड से पुलिस से नीचे खड तक एक बड़ा नाला जो करीब 35 लाख रुपए के से जो है वो बनेगा। और इसके अभी जैसे कहा कि कोई 80 लाख रुपए की लागत से हमारे यहाँ पर खेल का स्टेडियम बनेगा, जिसका भी मैंने ये भूमि पूजन किया है। और उसके ऊपर जल्दी मैं कह रहा था एक्सी साहब को कि जल्दी से उसके भी आप टेंडर लगाएं, तो उसका भी हम काम जल्दी से पूरा करके उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। 4 वर्षों के अंदर 1 करोड़ के काम, मैं वीडियो साहब से फिगर ले रहा था कि हम इन 4.5 वर्षों के अंदर ये भी अपने आप में जो है वो रिकॉर्ड है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी तो ना भूतो ना भविष्य।
ना ये पहले था ना कभी हुआ था। इतना ज्यादा काम अपने इन 5-4.5 वर्षों के अंदर जो है वो यहाँ पर हुआ। 3 ट्यूबल जो है वो बसाल को दे रहा हूँ, जो यह जमीन जो है वो आप देखेंगे चयनित हो गई है, जमीन भी चयनित कर ली गई है। मैं इसके लिए अपने प्रधान जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि काम में इनकी कोई ढिलाई नहीं होती है, पूरे एडवांस में चले होते हैं। पर हमारी जो पंचायत के लोग हैं, जो लाइनों का जो नेटवर्क है उसको बदल दिया गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और ये नेटवर्क कम से कम 10 बनेगा बनेंगे, क्योंकि क्या आकलन किया है कितने हमारे जल स्रोत जो है वो सूख रहे हैं। 100 से ज़्यादा सूखे की स्थिति जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और उसके बावजूद भी जो हमारा अपर कुटलहड़ है, जहाँ टैंकरों से पानी हम पहुँचाते थे, हमने हैंडपम्प भी लगाए, नई योजनाएं बनाई, वहाँ पर पानी पहुँचाया है। और जो अपर कुटलहड़ में ही हम हैंडपम्प का या दूसरे जो लोकल स्रोत हैं उसके पानी को नहीं हम काउंट कर रहे हैं, लेकर के जो बंगाना क्षेत्र में गए हैं, और जो भाखड़ा से पानी उठा करके और दूसरी पेयजल योजनाओं से पानी उठा करके दिया जा रहा है, वो 80 लाख लीटर से ज़्यादा जो है वो प्रतिदिन हम पानी जो है वो गरीब वो जो है वो वहाँ की जनता को जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं।